वोट मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें। भोपाल की कॉलोनियों में लगे चुनाव बहिष्कार के पोस्टर, बैनर, सड़क पानी जैसे मुद्दे उठे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही राजधानी में सड़क पानी स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाओं के मुद्दे फिर से उठने लगे हैं। तीन कॉलोनियों में तो बकायदा चुनाव के बहिष्कार के पोस्टर बैनर तक लग चुके हैं। कई में रहवासी विरोध प्रदर्शन करने के मूड में हैं। न्यू चौक से नगर में वोट मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें जैसे पोस्टर लगे हैं। वहीं कोलार के डीके होम्स में भी इसी तरह के पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। होशंगाबाद रोड स्थित दानिश नगर के कई घरों के बाहर नर्मदा जल नहीं तो वोट नहीं के पोस्टर लगे हैं। लोगों का कहना है कि कॉलोनी वैध है, सभी टैक्स निगम ले रहा है, लेकिन पानी को लेकर परेशानी है। कई साल बीतने के बावजूद पानी के उचित प्रबंध निगम या सरकार ने नहीं दिए हैं। इसे लेकर रहवासी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनाव के पहले मुद्दा बनाया। दानिश नगर में 450 से ज्यादा घर हैं, सैकड़ों प्लाट भी हैं, बावजूद यहां पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। विधानसभा चुनाव में लोगों ने इसे मुद्दा बना लिया है। यहां के हर घर में नर्मदा जल नहीं तो वोट नहीं, और न भीख मांग रहे न दान मांग रहे, हम कर्ता अपना अधिकार मांग रहे के पोस्टर और बैनर लगे हुए हैं। कॉलोनी की अंशु गुप्ता ने बताया कि दानिश नगर वैध कॉलोनी है जो सालों से नर्मदा जल के लिए तरस रही है। शासन प्रशासन द्वारा नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं की ओर ध्यान न दिए जाने से व्यथित होकर हम सभी रहवासियों ने अपने घरों के दरवाजे पर नर्मदा जल संबंधित मांग को लेकर बैनर पोस्टर लगाए हैं। हम विपक्ष में वोट डालेंगे। यहाँ भी लगे पोस्टर बैनर, लोग बोले वोट नहीं देंगे। न्यू चौक से नगर, डेढ़ महीने में जता रहे विरोध। लांबा खेड़ा स्थित न्यू चौक से नगर में रहने वाले लोगों ने डेढ़ महीने पहले ही पोस्टर और तख्तियां लगा दी थीं। वे सीवेज, स्ट्रीट लाइट, सड़क समेत अन्य सुविधाओं से सालों से वंचित हैं। इस कारण उन्होंने चुनाव में मतदान नहीं करने का फैसला लिया। न्यू चौक से नगर वार्ड नंबर 79 का हिस्सा है, जबकि बैरसिया विधानसभा में आता है। करीब 500 घरों वाले इस इलाके के लोग पिछले 7 साल से मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। तमाम अफसरों और जनप्रतिनिधियों से शिकायत करने के बाद भी समस्या दूर नहीं हो रही, इसके चलते अब उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा है। सीवेज की सबसे बड़ी समस्या, रहवासी राजेश सैनी ने बताया कि न्यू चौक से नगर में सबसे बड़ी समस्या सीवेज की है। सीवेज सिस्टम नहीं होने की वजह से गंदा पानी घरों के पास रहता है, इस कारण मच्छर पनपते हैं जिससे लोग बीमार होते हैं। स्ट्रीट लाइटें बंद रहती हैं जबकि सड़कें भी ठीक नहीं हैं। निगम अफसरों से जब बात की गई तो उनका कहना है कि कॉलोनी निगम के हैंडओवर नहीं है, ऐसी स्थिति में लोगों का रहना मुश्किल हो गया है। उनका कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले यदि समस्याएं दूर नहीं हुई तो वे वोट नहीं डालेंगे, चुनाव का बहिष्कार कर देंगे। डीके हनी होम्स, बहिष्कार के बैनर लगते ही पहुंचे निगम कर्मी। वार्ड 81 स्थित डीके हनी होम्स के रहवासियों ने कुछ दिन पहले चुनाव के बहिष्कार का निर्णय लिया और पोस्टर बैनर लगा दिए। इनमें सड़क की जर्जर स्थिति, सीवेज समस्या, स्ट्रीट लाइट के बंद करने आदि मुद्दे लिखे हुए थे। अपनी समस्याओं को लेकर कॉलोनी के लोग सड़क पर भी उतर गए। हालांकि विरोध होने से नगर निगम के कर्मचारी कॉलोनी में पहुंचे और रहवासियों को समस्याएं दूर करने का भरोसा दिलाया। आश्वासन के बाद निकाले पोस्टर बैनर, निगम अफसर और जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद रहवासी माने और उन्होंने पोस्टर बैनर हटा लिए। जानकारी के अनुसार मांगों को लेकर शुक्रवार को रहवासी जनप्रतिनिधियों से भी मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।